It's love. मैं एकलव्य, ये मेरी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है मेरे जन्म से। परंतु मेरी जन्म कुंडली से जब इस सत्य का पता चला कि मेरी मृत्यु मेरे अपने ही कुलवंशी के हाथों होगी, मेरी माता श्री ने मुझे यदुवंश से दूर करने का निर्णय लिया। किंतु यदुवंश के विनाश की सौगंध खाने वाले मगध नरेश जरासंध के हाथों मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए मेरी माता श्री ने अपने प्राण गंवा दिए और मैं एक माता की गोद से बिछड़कर जंगल का बेटा बन गया। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। एकलव्य। मगर जरासंध मुझे अब भी ढूंढ रहा था। चलो मेरी परछाई पर निशाना लगाओ। अरे आओ, अरे मारो ना, लगाओ ना, लगाओ ना। ध्यान लगाओ, मेरी परछाई पर ध्यान लगाओ। फटिश करो, फटिश करो। मैंने मार दिया। मिटन मिटन, जल्दी आओ, देखो देखो देखो। मैंने मार दिया। एकलव्य तो वहां खड़ा है ना, तो ये परछाई किसकी है? ये परछाई कोई माया है? वैसे भी ऐसी परछाइयों से तो बच्चे डरते हैं, और वो भी रात में। और ना ही ये रात है और ना ही हम लोग बच्चे हैं। कौन है? सामने आओ। जरूर कबीले के ही किसी ने हमें डराने की कोशिश की है। परछाई को किसी परछाई ने पकड़ा हुआ है। एकलव्य बचाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। परछाई? परछाई से कैसे बचे? बंदी कहाँ है परछाई? तू, रोशनी, इसे अपने सर के ऊपर पकड़ो। ना रहेगी धूप और ना बनेगी परछाई। पकड़ो सिकोरा, पकड़ो। कौन है? पकड़ो सिकोरा, धूप से बचो। और मुसीबत एक साथ ही रहते हो क्या एकलव्य? जब भी तुम्हारे साथ होते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। हमें वापस कबीले चलना चाहिए।
जल्दी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चलो वो देखो, एक लड़के की परछाई पर। एकलव्या, बाबू मासिंग क्या बहुत हो? पकड़ लिया है उस परछाई ने एकलव्या को। माँ, जा, जा यहाँ से। हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम आओ, जा यहाँ से। हम तुम्हें रुको बुलाते। जल्दी जल्दी आओ बेटे। परछाई हमारी परछाई का पीछा कर रही है। पानी में रहने से ना ही हमारी परछाई रहेगी और ना ही वो हमारी परछाई का पीछा कर पाएगा। डमरू, 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 तुम्हें पता है हम लोगों के साथ जंगल में क्या हुआ? क्या हुआ? प्रेतराज से मुक्ति संभव नहीं। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? प्रेतराज, परछाई का प्रेतराज। बचाओ, कुछ करो एकलव्य। छाया और परछाया के खेल में आनंद आया मुझे तुम्हारे साथ, मगर तुम्हारे ये बड़े बड़ी आसानी से फंस गए मेरी परछाई के जाल में। बाबा, बाबा कहाँ है? तुम प्रेतराज हो या परछाई राज? जो भी हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ दो इन लोगों को। छोड़ दूंगा, इन सब को छोड़ दूंगा। इन्हें तो मैं लेने आया ही नहीं हूं। मैं तो लेने आया हूं तुम बच्चों को। तुम बच्चे अपनी अपनी परछाई मुझे दे दो और मैं इन सब को मुक्त कर दूंगा। अंधेरे का स्वामी हूं मैं। समर्पण करो अपनी अपनी परछाई मुझे। बाबा,
मशाल की रोशनी से मायावी परछाई दूर रहेगी एकलव्य। मशाल लेकर पहुंचा वहां के लोगों तक और बचाओ सबको। मुक्त कर दिया है सबको इनकी परछाइयों से इनकी परछाई छीन ली है मेरे। पर क्यों? छोड़ दो इन सबको। अब किसी भी पल इनका शरीर भी इन्हें छोड़ देगा। मेरे कबीले के लोगों को मरने के लिए छोड़ देगा? मैं तुझे जाने दूंगा? कभी नहीं। एकलव्या, भागने मत देना इसे, पकड़ो इसे। वो रहा। अब मैं तुम बच्चों से तुम्हारी परछाई ना तो छीनूंगा और ना ही मांगूंगा। अब तुम खुद चलकर काली गुफा तक आओगे और अपनी अपनी परछाई मुझे वहां खुद सौंपोगे। काली गुफा में प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, उत्तर दिशा में चलते चले आना। शैतान को हमारी परछाइयां चाहिए ना, तो दे देते कि मैं ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती। चलो काली गुफा। हम काली गुफा जाएंगे मगर अभी नहीं। जय वंदे। गए हैं प्रेतराज, ले लो हमारी परछाई, मगर पहले हमारे लोगों को मुक्त करो। आ गए। इस जंगल में बचे वो दो अंतिम बच्चों की परछाई भी आ गई महाराज।
शंभो, ढूंढ लीजिए अब अपना शत्रु, वो यदुवंशी महाराज। शंभो, मूर्ख बनाया तुझे उन दोनों बच्चों ने, ये तो पुतले हैं, पुतले। प्रेतराज की परछाई पर मशाल फेंको जल्दी। बोलते हैं समय के इस पैर को, और ये पैर होता है मेरा, और इस पैर होता हूं मैं सर्वाधिक शक्तिशाली। सभी की परछाइयों को मैं अग्नि की मदद से मुक्त कर सकता हूं। इस बार तो तू बच गया, परंतु मैं फिर आऊंगा।